मोहतरम दीनी माँ और बहनों, हमें भी अपने घरों में तरबियत की फजाएं कायम करनी है, तरबियत का माहौल कायम करना है, खुद भी दीनदार बनना, अपने घर की फिजा को दीनी बनाना। तो कैसे दीनदार बनेंगे और कैसे अपने बच्चों की दीनी तरबियत करेंगे, कुछ बुनियादी बातें इन पर बतौर खास फोकस करने की जरूरत है, बतौर खास कॉन्सेंट्रेट करने की जरूरत है। सबसे बुनियादी बात ये खुद अपने अंदर और अपनी औलाद और घर वालों के अंदर हमें अल्लाह की आजमत पैदा करनी है, नबी की आजमत पैदा करनी है, अल्लाह का ताल्लुक पैदा करना है, ईमान की आजमत पैदा करनी है। ईमान कितनी बड़ी दौलत है, कलमा कितनी बड़ी दौलत है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये कलमा कितनी बड़ी दौलत, ईमान कितनी बड़ी दौलत, ये अपनी औलाद को समझाने की चीज है। ये सारी कायनात कुर्बान की जा सकती है, अपने ईमान का सौदा नहीं किया जा सकता, अपने दीन का सौदा नहीं किया जा सकता, सारी कायनात भी किसी को मिल जाए तो बस मौत तक है। मौत आएगी, सारे असबाब धरे रह जाएंगे, सारे वसाइल धरे रह जाएंगे, सारी दुनिया भी किसी को मिल जाए तो होना क्या है। मौत पर दुनिया भी हाथ से जाएगी, आखरत भी हाथ से जाएगी, कि जब मौत आएगी तो सारे असबाब धरे रह जाएंगे। और ऐसा इंसान, ये दुनिया तो थी, ईमान न था, अब मौत आई तो उसका हशर क्या बना, ना खुदा ही मिला ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे, दुनिया भी हाथ से गई और आखिरत भी हाथ से गई। मोहतरम दीनी माओं बहनों, अपनी बच्चियों को हम संभालें, अपने बच्चों को हम संभालें, ईमान की आजमत उनके अपने दिलों में पैदा करें, अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत उनके अपने दिलों में पैदा करें, बतकल्लुफ ईमानी जुमले अपनी औलाद को सिखाएं। पहली बुनियादी बात कि अपने ईमान पर मेहनत करना, अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत पर मेहनत करना। दूसरी बुनियादी बात कि अपने अंदर, अपने बच्चों के अंदर फिक्र आखरत पैदा करना, आखरत की फिक्रों की बुनियाद पर अपने औलाद की दीनी तरबियत करना। अल्लाह के रसूल हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने अपनी पूरी उम्मत को आखरत की फिक्रों पर उठाया, क्या आखरत का फिक्र उनके अंदर था। आप बच्चों को देखिए, आप बड़ों को देखिए, आप बूढ़ों को देखिए, आप जवान बच्चियों को देखिएगा, सहाबा सहाबियात तबईन तब तबईन, उस जमाने की खवातीन को पढ़े, उस जमाने के लोगों को पढ़े, कैसा फिक्र आखरत उनके अपने अंदर। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु को देखिएगा, एक मर्तबा सख्त भूख लगी थी, कई दिन से कुछ खाने को न मिला था, एक लुकमा मिल गया, उसको खा लिया, बाद में ख्याल हुआ ये तो मुश्तबा लुकमा हो गया, उसको पेट के बाहर निकालने की कोशिश की, वो लुकमा पेट के बाहर न निकला, किसी ने कहा कि आप ढेर सारा पानी पी लें और वापस कह करें तो पानी के साथ वो लुकमा पेट के बाहर निकल जाएगा, तो बड़ा प्याला पानी का मंगवाया, पानी पी पी कर उस एक लुकमे को कह करके अपने पेट के बाहर निकाला। किसी ने कहा अल्लाह आपके हाल पर रहम करे, ऐसी सख्त भूख में आपने एक लुकमा खाया था, उसको भी संदास से पेट के बाहर निकाल दिया। क्या फरमाया नबी के साथी ने, इरशाद फरमाया अगर वो लुकमा मेरी जान के साथ निकलता तब भी मैं उसको अपने पेट के बाहर निकाल देता। मैंने अपने नबी की जुबान से सुना कि आदमी के बदन की वो बोटी जो हराम माल से परवरिश पाए उसके लिए जहन्नम की आग बेहतर है, उसके लिए जहन्नम की आग बेहतर है। कैसी आखरत इनकी अपनी निगाहों के सामने, बच्चों को देखें, बच्चों में कैसा आखरत का फिक्र था। फजाले सदकात में एक वाकया लिखा, हजरत मौलाना ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह, बहलोल रहमतुल्लाह अलैह, बड़े अल्लाह वाले आदमी हैं, बसरा की गलियों से गुजर रहे हैं तो उन्होंने देखा कि कुछ बच्चे अखरोट और बादाम से खेल रहे हैं और करीब में एक बच्चा खड़ा हुआ रो रहा है। इनको लगा शायद इसके पास अखरोट और बादाम नहीं है इसलिए बच्चा रो रहा है। उससे जाके फरमाया बेटा रोने धोने की कोई बात नहीं, तुझे मैं अखरोट और बादाम खरीद दूंगा तो भी उससे खेलना। तो वो छोटा सा बच्चा उधर से कहता है अरे बेवकूफ, क्या हम लोग खेलने के वास्ते पैदा हुए हैं। हजरत तो करंट लग गया, कहा बेटा फिर किस काम के लिए पैदा हुए हो। कहा कि इल्म हासिल करने के लिए पैदा हुए हैं, अल्लाह की इबादत करने के लिए पैदा हुए हैं। हजरत ने फरमाया बेटा तू तो बहुत छोटा है, तूने ये बात कहां से सीख ली। उस छोटे से बच्चे ने कहा कि बहलोल क्या तूने कुरान नहीं पढ़ा, कुरान में अल्लाह फरमाते हैं अफहसिबतुम अन्नमा खलकनाकुम अबसा वअन्नकुम इलैना ला तुरजऊन,
मेरे बंदों, क्या तुम ये समझते हो कि हमने तुम्हें दुनिया में बेकार बनाया, और क्या तुम ये समझते हो कि तुम हमारी तरफ नहीं लौटाए जाओगे। मैंने यहाँ से ये बात सीखी है। अब इतने बड़े अल्लाह वाले वो छोटे से बच्चे से फरमाते हैं, बेटा तू तो बड़ा हकीम मालूम होता है, मुझे कुछ नसीहत कर। अब वो चटाक भर का बच्चा वो अशआर पढ़ रहा है, उसमें आखिरत का तस्किरा कर रहा है, कब्र का तस्किरा कर रहा है, अल्लाह के सामने जाने का तस्किरा कर रहा है, दुनिया के मिट जाने और फना हो जाने का तस्किरा कर रहा है, जारो कतर रो रहा है, रोते रोते बेहोश हो गया। हजरत ने गोद में लिया, उसको होश में लाया। जब उसको होश आया, हजरत ने कहा कि बेटा तू तो बहुत छोटा है, अभी तुझ पर कोई गुनाह नहीं है, तू इतना रोता क्यों है। बच्चे ने कहा मैं कुर्बान जाऊं, मैं सलाम करूं उस माँ की तरबियत को जिसने अपनी औलाद में ऐसा फिक्र आखरत भर दिया, ऐसा फिक्र आखरत उतार दिया। उस छोटे से बच्चे ने बहलोल रहमतुल्लाह अलैह से यूं कहा, बहलोल मुझे धोखा ना दे, मैंने घर में अपनी अम्मी को देखा है, जब मेरी अम्मी घर में आग जलाती हैं तो उसमें पहले छोटी छोटी लकड़ियां डालती हैं, बाद में बड़ी बड़ी लकड़ियां डालती हैं, मुझे डर लगता है कहीं जहन्नम की आग में छोटी लकड़ियों की जगह मैं ना डाल दिया जाऊं। ऐसी बातें उसने की कि बहलोल रहमतुल्लाह अलैह बेहोश होकर गिर गए। या उस जमाने के बच्चों का फिक्र आखिरत है, हम अपने बच्चों में, अपनी जात में, घर के लोगों में आखिरत का फिक्र पैदा करें। अब अल्लाह कैसे राजी होगा, आखरत कैसे बनेगी, इसके लिए इस्लामी आमाल से अपनी जिंदगी को मुजयन करना। कुछ आमाल हम पर फर्ज हैं और कुछ आमाल हमारी आखरत के दर्जात की तरक्की का जरिया है, जिसमें नमाज आला दर्जे का अमल है, रोजा आला दर्जे का अमल है, जकात आला दर्जे का अमल है, हज उमरा आला दर्जे का अमल है। हम पर फराइज हैं, हम उनको शौक के साथ अदा करने वाले बने, एक एक फिजा बन जाए नमाज की। अभी हजरत मौलाना मल्लाट साहब दामत बरकातहुम से सूरत में मुलाकात हुई, हजरत से बातचीत हुई, तो हजरत ने बड़ी अहम बात की तरफ मुतवज्जे किया, ताकि अपने इलाकों में कर इस बात की मेहनत करो और उम्मत को ये समझाओ कि 100% के इत्तेबार से हमारे अपने घरों में, हमारे अपने इलाकों में लोग नमाज पर खड़े हो जाएं, कि हमारी पूरी बस्ती में कोई बेनमाजी ना हो, हमारी पूरी बस्ती में कोई मुसलमान औरत ऐसा ना हो जो नमाज छोड़ के जिंदगी गुजारता हो। मैं आप बहनों से भी दरख्वास्त करूंगा, आप माओं से भी दरख्वास्त करूंगा, आप अज़्म इरादा कीजिए। वैसे भी अल्लाह ने आपको हुनर बड़े अता फरमाए, आपको भी अल्लाह पाक ने बड़ी अता फरमाई, आपके अंदर इस्तेकामत का जौहर है, आपके अंदर सब्र का जौहर है, आपके अंदर बर्दाश्त का जौहर है, आपके अंदर तश्कील का बड़ा भारी जौहर है, आपके अंदर रोने धोने का बड़ा जौहर है, आपके अंदर जहन साजी का बड़ा जौहर है। अपने घरों में 100% नमाज जिंदा की जाए, फराइज का भी एहतमाम, सुन्नतों का एहतमाम, नफलों का एहतमाम, कुरान की तिलावत, हम कुरान को वक्त दें। अल्लाह करे कि हमें भी कुरान का जौक हो जाए। उन माओ बहनों को सलाम जिनके बच्चे हाफिज कुरान बन रहे हैं, उन माओ बहनों को सलाम जिनकी बच्चियां हाफिजा कुरान बन रही, उन माओ बहनों को सलाम जिन्होंने कुरान के साथ, अल्लाह की याद के साथ, नमाजों के साथ, तकवा और तवक्कुल हया और पगदमनी के साथ जिनकी जिंदगियां गुजर रही, उन जवान बच्चियों को सलाम जिन्होंने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों को जिंदगी कैडियल बनाया, हजरत फातिमा को जिंदगी कैडियल बनाया, अपनी औलाद की दीनी तरबियतें की। हम कुरान को वक्त दें, हम कुरान की कदर करें, अल्लाह की याद का मिजाज बनाए, अल्लाह के जिक्र का मिजाज बनाए, मस्नून आमाल का अहतमाम करें। आज उम्मत मस्नून आमाल से दूर हो रही, घर में आ रहे कोई दुआ नहीं, घर से निकल रहे कोई दुआ नहीं, खाना खा रहे कोई दुआ नहीं, खाने के बाद कोई दुआ नहीं। हमें हमारे नबी ने लावारिस नहीं छोड़ा है, हर मौके का दीन बताया। हम नबी के मस्नून आमाल को जिंदगी में जगह दें, हमें जरूरत है कि नबी के मस्नून आमाल को अपने घरों में जगह दें, अपनी जिंदगियों में जगह दें। इसी के साथ साथ और क्या हमें करना, सिर्फ इबादत हमारे जिम्मे नहीं लगाई बल्कि मखलूक के हकूक भी हमारे जिम्मे इस्लाम ने लगाए हैं, हम मखलूक का हक अदा करने वाले बने। आप सास हैं, आप बहू के लिए रहमत बन जाएं, आप बहू हैं तो सास के लिए रहमत बन जाएं,
आप ननद और भाभी के लिए रहमत बन जाओ, भाभी और ननद के लिए रहमत बन जाओ, देवरानी जेठानी के लिए, जेठानी देवरानी के लिए रहमत बने, गले की हड्डी न बने, आंख का कांटा न बने। अल्लाह के रसूल ने शुरू दिन से अपनी उम्मत को अखलाक का दर्स दिया है, मोहब्बत का दर्स दिया है, माफ करने का दर्स दिया है। कैसे कैसों को अल्लाह के रसूल ने माफ किया, कैसे कैसों को हमारे नबी ने दरगुजर किया, और पत्थर मारने वालों को दुआ दे गए, गालियां देने वालों को दुआ दे गए, तलवार मारने वालों को दुआ दे गए, तीर मारने वालों को दुआ दे गए। ये हमारे नबी के अखलाक। अगर इस मौके पर बद्दुआ करते हैं तो हजरत खालिद सैफुल्लाह ना बनते, हजरत अबू सुफियान रजी अल्लाह अन्हु ना बनते, सफवान बिन उमैया को इस्लाम ना मिलता, वैशी को इस्लाम ना मिलता, हिंदा को इस्लाम ना मिलता, इन सब का इस्लाम और नबी के अखलाक वाली दुआ के पीछे था। अल्लाह तो इन्हें माफ कर दे, मुझे नहीं पहचानते। जिस नबी ने पत्थर मारने वालों को दुआ दी, आज बहन बहन से बात नहीं कर रही है, आज माँ बेटी माँ से बात नहीं कर रही है, आज भाई भाई से बात नहीं कर रहा है, आज मुसलमान मुसलमान के सामने कोर्ट में खड़ा हुआ है, मुसलमान मुसलमान के खून का आज प्यासा बन रहा है। हम नबी वाले अखलाक को अपने घरों में जगह दें, और फिर ये सारी बातें हमारे अंदर जिंदा हों, हमारे घरों में जिंदा हों। हमारी तबलीग में सिखाया कि अपने घरों में फजाइल की तालीम जिंदा करो, अपने घरों में फजाइल की तालीम जिंदा करो, अपने घरों में फजाइल की तालीम जिंदा करो। हम अपने घरों की फजा दीनी बनाएं, और ये अल्लाह का दीन सारी दुनिया में जिंदा हो जाए। इसके लिए मदारिस की मेहनत है, खानकाहों की मेहनत है, दावत तबलीग की मेहनत है। अपने छोटे छोटे बच्चों को वो मकतब में भेजना, मदारिस में भेजना, उनकी दीनी तालीम और तरबियत की फिक्र करना, उनको आगे बढ़ाने की कोशिश करना। और जो बड़े हजरत हैं उनको तबलीग की खूबसूरत मेहनतों में अल्लाह की राह में भेजना कि वो दुनिया में जाए, अल्लाह का दीन सीखें भी, और अल्लाह के दीन को अल्लाह के बंदों तक पहुँचाएं भी।